शाहबाद में नगरपालिका में अलग कमरे को लेकर आज फिर से नगरपालिका प्रधान और उप प्रधान में जंग छिड़ गई। अभी पिछले महीने ही करीब 2 घंटे तक वोल्टेज ड्रामा चला था और नगरपालिका प्रधान ने ये कहकर फर्नीचर बाहर कर दिया था कि नगरपालिका उप प्रधान को आज तक कभी भी अलग से कमरा नहीं दिया गया है। तब से ये मामला गहराता ही चला जा रहा है। वहीं आज अधिकारी डीएमसी अश्विनी मलिक ने विधिवत रूप से नगरपालिका उप प्रधान भाविका को कमरा आवंटित कर कुर्सी पर बैठाया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। वैसे जैसे ही नगरपालिका उप प्रधान को अलग से कमरा देने की बात सामने आई तो नगरपालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन कव्यात्रा अपने साथियों के साथ अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं भाविका ने हायर अथॉरिटी और अपने ससुर पूर्व प्रधान हरीश को इसके लिए धन्यवाद कहा और लोगों को आने वाले समय में बिना भेदभाव से कार्य करने का आश्वासन दिया। हायर अथॉरिटी से रखी थी तो आज ये हमें डिसीजन मिला और फाइनली वी गॉट दिस सीट। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर हरीश क्वात्रा जी, जिनकी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है। और जो हम कामों को लेकर बात कर रहे थे, आगे आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि हम चाहते हैं कोई भेदभाव ना हो, सब काम बहुत अच्छे से हुए और शहर को बहुत आगे लेके जाए। दूसरी ओर नगरपालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन ने इस बारे में कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि चाहे नगरपालिका हो या जिला परिषद हो, कभी भी उप प्रधान के लिए अलग से कमरे का प्रावधान नहीं है। नगरपालिका उप प्रधान को अलग कमरा देना लोकतंत्र से कठोराघात और षड्यंत्र है। उन्होंने कहा, नगरपालिका शासन का गठन हुए अभी मात्र 5 महीने हुए हैं, लेकिन बार बार कार्य में व्यवधान डाला जा रहा है। आज तक हरियाणा के अंदर चाहे जिला परिषद की बात हो, किसी भी वाइस को रूम अलाट नहीं हुआ। ये जबरदस्ती एकाएक ये लोकतंत्र की भावनाओं के साथ कुठाराघात है और जनता के काम रोकने का एक षड्यंत्र है। हमने बार बार निवेदन किया, मैं भी प्रधान रहा हूं कि आप मेरे रूम में आए, स्वागत है, काम मिलके करेंगे। लेकिन जनता सब देख रही है कि इनके बार बार ये रुकावटें डालना, अभी 5 महीने हुए हैं लेकिन इनकी ये संकेत दे रहे हैं कि इनको जनता के हितों से प्यार नहीं है। ये मात्र रुकावटें डालने के लिए, खिलवाड़ करने के लिए ये इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं और ये कमरा इनको नहीं मिलने वाला। और जल्दी ही हम जो सरकारी नियम है उनको आगे पहुंचाएंगे अधिकारियों तक और कमरा इनको नहीं दिया जाएगा। इनका कहना कि हायर अथॉरिटी द्वारा ये विधिवत, हाँ वो हम देखेंगे, हायर अथॉरिटी से हम भी बात करेंगे, हायर अथॉरिटी हमारे लिए भी है, ऐसा प्रावधान ही नहीं है। डॉक्टर गुलशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि नपा उप प्रधान को ये कमरा नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि ऐसा नियम नहीं है कि नगरपालिका उप प्रधान को अलग से कमरा दिया जाए। नगरपालिका उप प्रधान को अलग कमरा ना देने का नियम को लेकर हायर अथॉरिटी से बात करेंगे। वैसे आने वाले समय में ये मामला किस तरफ मोड़ लेगा ये तो देखना बाकी है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा नगरपालिका उप प्रधान भाविका कव्यात्रा को अलग से कमरा दे दिया गया है। शाहबाद से राजेश नावलटी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।